डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही दूसरा नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं स्टैटिक माने होता है स्थिर, और इलेक्ट्रिसिटी मेनली फंक्शन ऑफ चार्ज है, तो स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें चार्ज डायनामिक होगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाएंगे, वह सब बाद की बात। हम लोग कल एक छोटा क्वेश्चन पढ़े थे चार्ज क्या है, और एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी उसका पढ़े थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, और एक क्वेश्चन पढ़े थे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आपको एक बात बता दें कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत हर एक परिस्थिति में सत्य होता है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत है जो कभी गलत नहीं होता है। बिहार बोर्ड में उतना डीप में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, परंतु यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है, आपको भी आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि कल का शॉर्ट क्वेश्चन था आवेश क्या है, बस यही पर रुक गया था। आज का शॉर्ट क्वेश्चन है आवेश क्या है, इसके गुणों को समझाएं, इसके गुणों को लिखें या इसके गुणों को समझाएं, लिखें बताएं या समझाएं बताएं। अब प्रश्न उठता है कि यह क्वेश्चन क्या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, चांस कम है लेकिन आ सकता है, चांस कम है लेकिन यह आ सकता है, क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और बताएं एक बात, और जरूरी बात बताएं कि अगर इतना सा ही क्वेश्चन आता है कि आवेश क्या है, तो भी आप इसको लिख सकते हैं, अधिक लिखने से कोई हर्ज नहीं है। परंतु हमारे यहाँ तो कमजोर मजबूत हर तरह के लड़के पढ़ते हैं, और कुछ लोग हमारे थोड़ा भारी भरकम नोट से घबरा जाते हैं, इसलिए हम नोट को शॉर्ट करते हैं कि चलो कम से कम इतना तो जरूर लिखो। लेकिन अगर कोई अच्छा स्टूडेंट अगर इतना सा ही क्वेश्चन रहेगा कि आवेश क्या, और ये नहीं भी रहेगा, ये नहीं भी रहेगा, तो भी उसका धर्म बनता है कि थोड़ा सा उसके गुण उनकी चर्चा उसको कर देनी चाहिए। तो जैसे आपके जगह अगर हम परीक्षा देते रहेंगे तो हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, आवेश क्या है, इसमें वो हमसे पूछे कि इसके गुणों को लिखें, नहीं पूछे कुछ भी करे, हम फिर भी आवेश क्या है यह अगर क्वेश्चन हमको आता है तो हम लिखेंगे। आवेश यानी चार्ज को हमेशा गुणात्मक रूप में व्यक्त करना,
यानी गुणात्मक रूप में व्यक्त करना। चार्ज को हमेशा गुणात्मक रूप में व्यक्त करना अधिक उचित है। यह विद्युत बलों की उत्पत्ति का कारण है, आवेश क्या है तो यह विद्युत बलों की उत्पत्ति का कारण है। इसे किसी न किसी सूक्ष्म कण, कोई भी इसे किसी न किसी सूक्ष्म कण के द्वारा वहन किया जाता है, यानी ढोया जाता है। अगर वहन शब्द नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि इसे वहन किया जाता है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, एकदम देसी आवेश। जैसे हम लोग एक सामान्य मूड में रहते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत क्रोध में आ जाते हैं, तो देहात में लोग बोलता भी है, रे पिकअप धरी लल को चार्ज हो गलो छो, लगे छो बेटा चार्ज हो गलो छो, अब ये खाली गलिए तो मारपीट कर दो। लेकिन वो चार्ज है क्या यह समझना बड़ा कठिन काम है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चार्ज समझ लेते हैं, कल भी हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चार्ज समझ लेना यह बहुत बड़ी भूल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चार्ज एक क्वालिटेटिव चीज है। वह उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एक ऐसा गुण आ गया है, चार्ज क्या है एक गुण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आ गया है, जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। तो आवेश को हमेशा गुणात्मक रूप में व्यक्त करना अधिक उचित है। यह विद्युत बलों की उत्पत्ति का कारण है, इसे किसी न किसी सूक्ष्म कण के द्वारा वहन किया जाता है। यह दो प्रकार का है, होता है। अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने कैसे जाना कि यह दो प्रकार का होता है, धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश यह दो प्रकार का होता है। अब है कि इसके गुण क्या क्या है और इससे संबंधित बातें क्या क्या है। आइए आप लोग यहां तक देख लीजिए, कर लीजिए। आइए हम लोग देखें इसके गुण। बहुत संक्षेप में पहला इसका संकेत प्लस माइनस कैपिटल क्यू या प्लस माइनस स्मॉल क्यू है। इसका एस आई मात्रक कूलाम है, कूलाम को ऐसे भी लिखा जाता है, डरिएगा मत, सी ओ यू एल ओ एम बी, सी ए कूलाम वैज्ञानिक का पूरा नाम था चार्ल्स अ
अगस्टिन कूलम्ब, वैज्ञानिक का ये पूरा नाम था। 18th सेंचुरी के वैज्ञानिक थे, 18वीं शताब्दी के। अब परीक्षा में ये सब नहीं लिखने लगेगा, ये सब रफ हो गया, आपको बता दिए। 1700 कुछ ईस्वी में ये आए थे। इसका मात्रक गुलाम होता है, सी इसका संकेत हुआ, मात्रक का संकेत। इसकी भी मां, इसकी बीमा एटी होती है, गुलाम की बीमा एटी होती है, यानी एम्पियर पर एक घात है, एम्पियर पर घात एक है। ए माने एम्पियर, जो करंट की इकाई है, मूल मात्रक है, और सेकेंड जो टी है, जिसकी बीमा टी पर भी घात एक। इसकी बीमा जो है एटी है, जिसमें पर घात एक है और टी पर घात भी एक है। तो इस तरह से ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। समझते हैं कि आप अगर घर में बैठकर देख रहे हैं वीडियो, तो आप जरूर इसको उतार रहे होइएगा, देख रहे होइएगा, लिख रहे होइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप 4 नंबर पॉइंट में लिखिए, यह योगात्मक होता है, योगात्मक एडिटिव। ये 4 नंबर पॉइंट है कि यह एडिटिव योगात्मक होता है, 4 नंबर पॉइंट है। अब इसको समझिए, यहां रब में समझिए, और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, इसको रफ में आप समझिए। परीक्षा में आप इस सब नहीं करने लगेगा कि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, रफ में आप समझिए। या से जैसे कोई सिस्टम है, निकाय है, इसमें 3 सरकंडे की गोलियां हैं, 4 भी हो सकती है। इस पर 2 माइक्रो कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 3 माइक्रो कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, और यहां -1 माइक्रो कूलाम निगेटिव चार्ज है। तो योगात्मक कहने का मतलब है कि इस सिस्टम पर कितना चार्ज है। तो आप इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, यानी 4 माइक्रो कूलाम चार्ज हो गए। यही हुआ योगात्मक, मतलब 4 जो भी हो हम इसको जोड़ सकते। और आवेश संरक्षण क्या है? आवेश संरक्षण जो कल बताए थे, वो चीज भी आज और बढ़िया से समझ लीजिए। आवेश संरक्षण क्या है कि आप इसको मिक्स कर दिए, ये मिल गया, सब 4 सब आपस में बंटवारा हो गया, और फिर इसको सेपरेट कर दिए। चूंकि तो सिस्टम है, और वो भी हमने इसको वियुक्त रखा है, यानी इस पर कोई बाहरी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। कल रात में हम वीडियो देख रहे थे, तो हम देख रहे थे आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखने के समय हमने केवल लिख दिया है किसी निकाय आवेश का कुल परिमाण अचर है। उसके पहले अगर आप ये शब्द जोड़ दीजिए, तो एकदम जिसको कहते हैं सोना में सुगंध या सुगंधित फूल का हो जाना। तो जो कल वाला वीडियो आप देख रहे थे, उसमें जो आप लिखे थे कि हमी ने लिखा था कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या, तो किसी निकाय पर, वहां एक शब्द है कभी कभी मिस होता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं। मान लीजिए कि यह मिंगलिंग करने के बाद इसमें चार्ज हो गया 4 माइक्रो, क्लियर, और इस पर चार्ज हो गया -2 माइक्रो, इस पर कितना चार्ज? तो आपको टोटल चार्ज 4 माइक्रो कूलम आना है। 4 न घट सकता है न बढ़ सकता है, तो 4 में 2 माइक्रो कूलम घट गए, तो बच गया 2 माइक्रो कूलम तो भी है। तो इस पर कितना देंगे? Q डैश अगर इसको माने तो कितना देंगे? जाहिर है
चार पूरा करने के लिए इस पर 2 माइक्रोन गुना मार दीजिए। तो आवेश को हम जोड़ सकते हैं, आवेश को क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ सकते हैं। ये आपको ये चला गया, गायब हो गया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ठीक है, और जो नहीं देख रहे हैं उसके लिए हम इसको फिर से रफ में करके आपको यहाँ साइड में ये जो जगह है इसमें रफ कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, एक सिस्टम है, इसमें Q1 है 7 माइक्रोकूलम, ये है इस पर Q2 है मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम। तो टोटल Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 यानी 10 माइक्रोकूलम। मान लीजिए फिर कोई दूसरा सिस्टम है, इसमें -8 माइक्रोकूलम है, इस पर 3 माइक्रोकूलम है। तो इस बार क्यू डैश क्या है, -8 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम यानी -5 माइक्रोकूलम। तो चार्ज क्या है, एडिटिव है, चार्ज क्या है, योगात्मक होता है। पांचवा जो कल हम बताए थे कि यह क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत क्वांटाइज्ड होता है, यह क्वांटमीकृत होता है। और छठा इसका गुण लिखिए, यह संरक्षित रहता, संरक्षित रहता। अतः अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा करके अगर आप लिखना चाहते हैं, इतना सारा चीज लिखिएगा तो आपको मिलेगा। अब हम लोग यह बात जानने का प्रयास करेंगे कि आवेश कैसे जाना वैज्ञानिकों ने, कि आवेश 2 प्रकार का होता है। एक बात कैसे जाना वैज्ञानिकों ने, इस चीज को कैसे जाना कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ऐसा क्या था जिससे कि वैज्ञानिक जान पाए कि आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उनको लगता है जो सब ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास, यहाँ क्लासरूम में बैठ के तो लोग देख पा रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। आइए हम लोग चलते हैं यह देखने की कोशिश करें कि क्या है आवेश। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, यह चित्र एक स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शक का चित्र है। यह चित्र किसका है, यह चित्र है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शक यानी विद्युत को दिखलाने वाला विद्युत दर्शक है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शक। इसको कहते हैं गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको कहते हैं। आपको बताएं कि हरेक बॉडी में ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिजल्ट कब हुआ है, जब इस पर कोई ना कोई बल लगा है। बल लगने के पहले ये कुछ इस तरह का था, दोनों फ्यूज्ड, ये दोनों फ्यूज्ड, ये दोनों फ्यूज्ड, ये दोनों आंशिक रूप से फ्यूज्ड, क्योंकि इसका डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हुआ, ये सब फ्री हो रहा है। आपको यहां समझना होगा कि चार्जिंग कैसे होता है, केवल क्वेश्चन आंसर करने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना होगा कि चार्जिंग कैसे होता है। यहां आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज सब एक तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं, ये सब तो एक दूसरे को फ्यूज किए हुए हैं, ये भी एक दूसरे को फ्यूज किए हुए, लेकिन ये थोड़ा फ्री होने का कोशिश कर रहा है।
ये कैसे होता है इसको समझने के लिए थोड़ा केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग चलते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में आप पढ़े कि हर एक एटॉम को एक नाभिक होता है, उस नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, जैसे ये प्रोटॉन हो गया, और इस नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं जैसे ये न्यूट्रॉन। इसके चारों बगल विभिन्न कक्षाओं में आप देख रहे हैं यहां इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि इसमें कक्षा की संख्या दो, मान लिया कि है ना, जैसे बोरॉन की कक्षा है 5 एटॉमिक नंबर है, तो दो तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक और दो, और 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्षा। इस कक्षा का नाम के कक्षा है और इस कक्षा का नाम एल कक्षा है। इसको बाहर निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, चार्ज बोलना मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है या कहीं से आ रहा है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आप इतना बात जानिए, आगे पढ़िएगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे हम लोग तो वहां पर पढ़ेंगे हम लोग कि कार्य फलन क्या है, और ऐसे हम आपको कार्य फलन की चर्चा कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी में, कि किसी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा चाहिए वही कार्य फलन है, वर्क फंक्शन फाइ जो एच इंटू न्यू नॉट होता है, इसको देहली आवृत्ति कहते हैं। ऑप्टिक्स पूरा हम पढ़ा चुके हैं। तो अलग अलग पदार्थ का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ का जब वर्क फंक्शन अलग अलग होता है तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, किसी उपाय से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको दिए। यहां से ये इंडक्शन होता है। अब आपके दिमाग में फिर तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा कि यह इंडक्शन क्या है। तो आपको बता दे, चार्ज उत्पन्न करने का 3 तरीका, इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। ये 3 मेन तरीका है। इंडक्शन का हिंदी हो गया प्रेरण, कंडक्शन का हिंदी हो गया चालन, और फ्रिक्शन तो आपका पढ़ा हुआ है घर्षण। ये 3 मेन हीरो है, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये तीनों तो मेन हीरो है। इसके अलावे एक और घटना है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ध्रुवन। तो ध्रुवन के द्वारा भी आवेशन होता है, और आप देख रहे हैं कि ये फैल रहा है सोने का पत्थर, क्योंकि दोनों पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज आया हुआ है। इस चीज को और बढ़िया से समझने के लिए हम थोड़ा और बैक चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जाड़े के मौसम में जब हम लोग अपना कोई स्वेटर खोलते रहते हैं तो चट चट की आवाज होती है, चट चट की आवाज होती है, क्योंकि स्वेटर खोलने के समय जो फ्रिक्शन होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम ये स्वेटर पहने हुए हैं तो हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा हर एक चीज परमाणु से बना हुआ है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, ये सब एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, लेकिन चलने फिरने घर्षण वगैरह से कुछ कुछ यह फ्री होता है, या कुछ कुछ फ्री होता है, यही फ्री होना आवेशन कहलाता है। ये जो आप बैलून वाला प्रयोग है, इस प्रयोग को आप घर पर करें निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यह सब हम जब 8वीं क्लास में पढ़ाते रहते हैं, 8th क्लास में इस प्रयोग को करके भी दिखाते हैं, 8वीं कक्षा में कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। एक बैलून ले लीजिए, फुला लीजिए, और कोई सिल्क का अगर कुर्ता हो, टेरिलीन का कुर्ता हो, पॉलिस्टर का कुर्ता हो तो वेरी गुड,
बैलून को उस पर रगड़िए, रबड़ का सोल वाला चप्पल पहने रहिए, अर्थ मत होइए, बैलून को रगड़िए, फ्रिक्शन से उसमें चार्ज आ जाएगा, बैलून को किसी दीवार पर ठोक दीजिए, आपका बैलून दीवार से चिपक जाएगा। तो यही से वैज्ञानिक को पता चला कि आवेश में बल लगाने की क्षमता है। तो आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में बल लगाने की क्षमता उत्पन्न होती है। जैसे मनुष्य को क्रोध आने पर वह मारपीट करने में सक्षम होता है, उसी तरह कोई वस्तु को चार्ज करने पर उसमें बल लगाने की क्षमता होती है। और ये पिक्चर आपको दिखा रहा है, और ये प्रयोग आप घर में कर सकते हैं, और यह तो बच्चे सब भी करते हैं। यहां हम एक पेंसिल रॉड लिए हैं, स्केच का आप एबोनाइट की दांत का कंघी ले लीजिए, बाल को रूखा रखिए, बाल को रूखा रखिए, और बाल को रूखा रख के इसमें तेल मत लगाइए, रूखा रखिए, जितना सूखा रूखा बाल होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। इसलिए एक चीज और जानिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वो कंघी अगर आप बाल में रगड़ के ले जाइएगा तो अपनी ओर खींच लेगा। ये वो प्रयोग आप घर पर करें और आप पाएंगे कि आप तो जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज को छोड़ देंगे तो गुरुत्व बल उसको नीचे खींचेगा, लेकिन इस कागज का ऊपर उठना इस बात का प्रमाण है कि विद्युत बल निश्चित रूप से गुरुत्व बल से अधिक बड़ा है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में पढ़ाते हुए कि विद्युत बल किस तरह गुरुत्व बल से बड़ा है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रयोग, ये फ्रैंकलिन ने यह प्रयोग किया था, फ्रैंकलिन ने यह प्रयोग किया था और लोगों को बताया था कि दुनिया में आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये देख रहे हैं यहां दो अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, अतः ये चिपक रहे हैं एक दूसरे में, ये समान आवेश हैं, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, और अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं। ये कांच की छड़ है और इस पर यह सिल्क का टुकड़ा लपेटा हुआ है, आप घर में यह प्रयोग कर सकते हैं, सिल्क का टुकड़ा लेकर कांच के छड़ पर लपेटिए। फ्रैंकलिन जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो कार्य किया था वह हम आपको दिखाते हैं कि वह कार्य किस प्रकार से किया था। ठीक है, अब आप फ्रैंकलिन द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानिए। फ्रैंकलिन ने क्या किया और कैसे पता चला, अभी इसका नाम नहीं रखाया है, चार्ज का नाम नहीं रखा है, अभी केवल हम यह जान रहे हैं इस प्रयोग के द्वारा। आपको बता दे लगभग 600 बीसी में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मेरा आएगा बिफोर क्राइस्ट, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बने ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा पूर्व, यानी अभी जो 2021 ईस्वी चल रहा है इसमें 600 और जुड़ गए, तो आज से 2621 वर्ष पहले थेल्स थे, कल मैंने उनका चित्र दिखाया था। थेल्स ने ये बताया था कि अगर कोई रोएदार चीज को चिकने चीज के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की हल्की चीजों को खींचने का गुण आता है, हल्की हल्की चीजों को खींचने का गुण आ जाता है। हमने गुफा वाला आपको उदाहरण में दिया था, खाल से निकलती हुई विद्युत चिंगारी को हमारे पूर्वजों ने देखा था। थेल्स समझ तो नहीं पा रहे थे कि यह सब एक्चुअली है क्या, तब आगे चल करके फ्रैंकलिन आए। फ्रैंकलिन ने क्या प्रयोग किया सोहमा को पाते, उन्होंने दो सिल्क का टुकड़ा लिया, क्या लिया, सिल्क का टुकड़ा लिया, दो
ये भी सिल्क का, ये भी सिल्क का, एक ग्लास रॉड इस पर लगाया, शीशे की छड़, शीशे की छड़ को लगाया, इसमें भी शीशे की छड़ को लगाया और इसको लगे रगड़ने, शीशे की छड़ को लगाया और इसको लगे रगड़ने, रगड़ने के बाद इन्होंने रेशम के धागे से शीशे की छड़ को लटका दिया एक दूसरे के पास। क्या देखा कि ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर हटता है, ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर हटता है, दूसरी तरफ सिल्क के टुकड़े को भी लटका दिया तो पाया कि ये भी एक दूसरे से दूर हटते हैं। यहां तक उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों का गुण तो एक ही जैसा था। ये छड़ ए है, ये छड़ बी है, ए और बी एक दूसरे से दूर जा रहे थे, सी और डी भी एक दूसरे से दूर जा रहे थे। यहां तक उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी की किताब पढ़िएगा तो आपको सब चीज उसमें मिलेगा। उन्होंने प्लास्टिक छड़ लिया, प्लास्टिक छड़ और फर लिया, फर, फर बोले तो बिल्ली की खाल, बिल्ली की बिल्ली की खाल को, ये जो बिल्ली की खाल है इसको एफ मान लीजिए और ये जो प्लास्टिक का छड़ है इसको ई मान और इसको लगाइए। और इस बार आप क्या करिए, आपको देख चुके हैं पुराना, उसको रगड़ रगड़ करके ले आइए। और इस बार क्या करिए कि आप जो ये लटकाए हुए थे, आप जो ये लटकाए हुए थे ए नामक छड़, जो शीशे का छड़ था ए, और इसके बगल में आप लाकर क्या लटका रहे हैं, ये प्लास्टिक का छड़ जो आप बिल्ली के खाल से रख रहे हैं, ये प्लास्टिक का छड़, तो ये शीशे का छड़ है और ये प्लास्टिक का छड़ है, तो फिर इसको हटना चाहिए लेकिन ये सच में न। तब फ्रैंकलिन को समझ में आया कि अच्छा हम एक काम करते हैं, हम अपने शीशे के छड़ में ये रेशम का टुकड़ा लाके देखते हैं बी और सी के बीच क्या ये आकर्षित होने, लेकिन ये जो प्लास्टिक का रॉड है, ये प्लास्टिक का रॉड अगर आपके पास तो सो में भी चीज है, ये प्लास्टिक का रॉड जो ई है, ये अगर ये आप वो सिल्क के टुकड़े के पास लाते हैं तो फिर ये जो सिल्क का टुकड़ा है डी, ये फिर भी कर्षित होता है। इसका मतलब है कि दो घटना हो रही है, कभी चीज एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और कभी चीज एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं। अतः आवेश में दो गुण है, आकर्षण का और विकर्षण का। यह गुण पदार्थ में नहीं है, पदार्थ में द्रव्यमान है और द्रव्यमान में केवल आकर्षण का गुण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि द्रव्यमान और चार्ज में क्या अंतर है, और फिर अगले क्लास में हम आपको निश्चित बताएंगे कि ये जो दो आवेश थे इनका नाम धन आवेश ऋण आवेश किस प्रकार पड़ा, और फिर इसको कैसे जोड़ा गया कि धन आवेश को ही प्रोटोन कहा जाता है और ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको फिर एक बार कहें, प्रोटॉन धन आवेश नहीं है, यह धन आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश नहीं है, यह ऋण आवेशित कण है। आप स्टूडेंट हैं, आप इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश कह दें, आप प्रोटॉन को धन आवेश कह दें तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन कल आप भी हमारे तरह टीचर होइएगा तो एज ए टीचर आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कण है, कण है, और आवेश उसमें उत्पन्न गुण है, और यह गुण प्राकृतिक है,
ब्रह्मांड में कुल आवेश जीरो था, जीरो है और जीरो रहेगा। क्यों ऐसा है, इसके लिए पेयर प्रोडक्शन क्या है, एनहीलिएशन क्या है, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आप देखते रहिए। देखिए एनिहिलेशन या पेयर प्रोडक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सब मॉडर्न फिजिक्स की चीज है। ये कोरोना नहीं रहता तो ये सब हम पहले भी पढ़ा चुके होते, इसलिए हमको बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मॉडर्न फिजिक्स में ट्रांसफर होना होगा। हम होंगे, विश्वास रखिए, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यह प्रयोग और ऐसे ढेर सारे प्रयोग फ्रैंकलिन ने किया और एक लिस्ट बनाया, कल आपके पास वह लिस्ट आ जाएगा, जिस लिस्ट से यह निर्धारित होता है कि किसको किसके साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा। क्या वो बिल्ली की खाल को रगड़ने पर कुछ होगा? नहीं तो क्यों, क्यों ऐसा होगा? इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंतजार करें, फिर हम आ रहे हैं आपके साथ अगले वीडियो।